मैं तुम लोगों को यहाँ क्यों लेकर आया हूँ जानते हो? ताकि इस मुल्क की आवाम तुम्हें देख सके। देखो इस मुल्क की आवाम को कितना बड़ा दिल है, कितनी मेहनत से इस मुल्क को खूबसूरत बनाए हैं, लेकिन तुम लोग हो कि इस मुल्क की खूबसूरती को बदसूरती में तब्दील कर रहे हो। तुम एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिसर, हजारों नौजवान रात दिन मेहनत करके पढ़ाई खत्म करने के बाद डिग्री लेकर तुम्हारी ऑफिस में नौकरी के लिए रजिस्टर करते हैं, लेकिन तुम हो के काबिल लोगों को नौकरी देने के बजाय रिश्वत लेकर निकम्मों को नौकरी देते हो, उनके टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते हो तुम। MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जब मुल्क तरक्की करता है तो तुम लोगों से सहा नहीं जाता, इसलिए सारे मुल्क को गंदा करके सत्यानाश करने वाले सुअर हो तुम। गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली अपॉइंट किया हुआ गुंडा, बदमाश, दलाली करने वाला तू ही है। तुझे क्राइम रेट बढ़ाना भी आता है, घटाना भी आता है। खादी लिबास वालों के तलवे चाटकर अफसरों को सलाम करके उनके फेंके टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता है तू। मैं तुम लोगों को इस जगह लाकर क्यों मार रहा हूँ जानते हो? मुझे अच्छी तरह मालूम है तुम लोग खून चूसने वालों के खानदान के हो। अगर मैं तुम्हें वहाँ मारा तो तुम्हारे खून के एक एक बूंद से लाखों राक्षस पैदा हो जाएंगे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाकर मार रहा हूँ। तुम लोगों का ताजिरात हिंद कुछ भी नहीं कर सकता। तुम लोगों को सबक सिखाने आया है ये नया बारूद। दादी 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 शांत हो जाइए। बेचारा देर रात गए, बहुत लेट आया, थोड़ी देर सोने दीजिए ना उसे। हाँ, इतनी रात गए आया क्यों, और सूरज उगने के बाद अभी तक सो क्यों रहा है? कितनी बार मैंने इसे समझाया है हाँ, पर ये सुनेगा नहीं। अब सुनेगा बताती हूँ। अरे छोड़ दो मुझे, रात हो गई हो ना, रात भर सोने की कोशिश करते हो लेकिन तुम्हें नींद नहीं आती है। राक्षसी हो, राक्षसी कहते हैं। बहुत बदतमीज होता जा रहा है तू, ये ले। दादा भी इसी तरह आराम से सोते थे लेकिन उन्हें भी तुमने ऊपर भेज दिया। मैंने भी भेज दिया। अरे वही माँ, खेलूंगा, मुझे मारने जा रहा है, कोई बचाओ मुझे। आई राम, कोई बचाओ। कैसे लगी? अरे बहुत दर्द हो रहा है, कोई बचाओ। मार लो जितना चाहे मुझे, मार लो। देखो भैया गार्ड में तेरे मार रही है। क्या है दादी माँ, क्यों मार रहे हो उसे? वही तो, क्यों मार रही हूँ पूछ रहा है। अरे पति और पत्नी दोनों ने मिलके इसे बेकार बना रखा। मुझे काहे कहती है, मेरे रगों में खून नहीं, बारूद है, फटेगा तो बना हो जाओगी। पते की बात बताओ, मेरे दो पैर तक सोने से घर की बचत नहीं देश की भी बचत होती है। मेरे जैसे नौजवान नौकरी ना मिलने की वजह से फ्रस्ट्रेट होकर अपने हाथों में AK-47 लेकर 1947 से पड़ोसी मुल्क वाले अमन की बजाय दहशत फैलाते हैं। ये तुम्हें मालूम है, इस तरह के ख्वाब देखने के बजाय हम जैसे नौजवान अमन से सोते हैं, इसलिए ये देश अच्छा, अमन है। इसके चलते हमारे घर का क्या फायदा? चुप करो ओल्ड वुमन, थोड़ा भी कॉमन सेंस नहीं है तुम्हें? मेरे देर से उठने से चाय की बचत, नाश्ते की बचत, उसी तरह घर देर से आने से रात के खाने की बचत, ये सब बचत ही तो है। क्यों भैया? दूंगी तुझे। मैं जो बोल रहा हूँ समझने की कोशिश तो करो। ये कौन है? हमारे बड़े भैया, पूरी फैमिली की जिम्मेदारी संभालने वाले बड़े भाई, सरकारी नौकर। ऑफिस में बहुत सारे काम रहते हैं, उस पर घर की देखभाल भी करनी है, बाहर भी टेंशन, अंदर भी टेंशन, इसलिए नहीं सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ता, ठीक है ना भाई? अब बाबू ठीक, इन्हें देख, अखिल भारतीय पत्नी, घर की मदर इंडिया है, फाइनेंस मिनिस्टर की तरह। सुबह कचरा साफ करना पड़ता है, घर की देखभाल करनी पड़ती है, कपड़े धोने पड़ते हैं, खाना बनाना पड़ता है, तुम्हें मुझे बच्चों को संभालना पड़ता है, कितने सारे काम होते हैं। ये सुबह उठती है मतलब है। आप उठी, ये मेरे दूसरे भाई एजुकेशन मिनिस्टर की तरह है। देखो इन्हें, IAS एग्जाम देने तक पढ़ते ही रहना होगा, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते ही रहना होगा, किताबें तो देखो, ये सुबह उठते हैं बिल्कुल सही है। अब इन्हें देखो, बच्चों को देखो, ये बड़े भैया का प्यारा बेटा और प्यारी बेटी, मतलब प्यार के लिए लड़की, भरोसे के लिए लड़का। बेचारे बच्चे किलो के हिसाब से किताबें लेकर स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, होमवर्क करते हैं, शाम हुई तो टायर्ड हो जाते हैं, इनसे कहो तो कोई मतलब है। अब इस घर में बाकी रहे सिर्फ दो बेकार रूह हैं, एक तो मैं, बिल्कुल ठीक, दूसरी रूह कौन है जानती हो? कौन है? या वहाँ क्या देख रही हो बुड्ढी, तू ही तो है, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, हर किसी को सच्चाई कड़वी लगती है, कहावत है जानती हो ना। कल से तुम भी सुबह देर से उठना, उठते ही नाश्ता करने नहीं चली जाना, मंदिर जाना, वहाँ प्रसाद मिलेगा, खूब ठूस कर आना, समझी? रात में देर से आना, मंदिर में भजन कीर्तन सुनने के बाद रात का खाना बचेगा, हम दोनों की सेवा घर की तरफ इतनी है, जान गई? अब मैं अपनी सेवा करूंगा, तुम तुम्हारी सेवा करो, डोंट डिस्टर्ब मी, बाय। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगी। विजय, नहाने का पानी गरम कर दिया, जल्दी से आ जाओ। हाँ मदर इंडिया, आ रहा हूँ। कामे, ट्रैफिक पुलिस की तरह यहाँ क्यों खड़ी हो, घूस चाहिए क्या? ऐ, तुझे बहुत चर्बी चढ़ गई है। यू मीन कोलेस्ट्रॉल? नो चांस गॉड मदर, खूब खा के वर्जिश करके बनाया हुआ बदन है, स्टील बॉडी, स्टील बॉडी। इसमें कोई कमी नहीं है, चार गधों की उम्र हो गई है,
नहाने का पानी गर्म करने के लिए एक और पीठ रगड़ने के लिए एक चाहिए। एक सच्चाई बताऊं? क्या है बोल। वैसे सारे काम तुम्हें करने चाहिए। हाँ? बेचारी मदर इंडिया कर रही है, दादा की खिदमत तो नहीं की और उन्हें ऊपर भेज दिया। कम से कम उनके कार्बन कॉपी मैं जो हूँ मेरी खिदमत करोगी तो भगवान खुश होकर तुम्हें आशीर्वाद देकर स्वर्ग में तुम्हें एक कॉटेज देंगे, समझ गई? वो भी एसी कॉटेज। सच बोल रहा है? हाँ मेरी गॉड मदर। अब चलो मेरी पीठ रगड़ो। राम नाम सत्य है। ये क्या खून की होली खेल रहे हो? खंजर पर खून का निशान मौजूद है, चेहरे पर खून का निशान मौजूद है। कहा जाए तो ये खून खराबा जाजबूझ से कम है पर उसामा से कुछ ज्यादा ही है। भैया लेकिन कुछ भी हो छूटे तुमने बहुत अच्छा काम किया भैया। आइए आइए डीसीपी साहब, हड्डी को सूंघते हुए जैसे कोई कुत्ता दौड़ा चला आता है वैसे ही आप भी खून को सूंघते हुए दौड़े चले आए। जुर्म कब होगा और कहां होगा इस बात का पता खाकी वर्दी वालों को पहले से पता चल जाता मिस्टर पटेल। 100% सत्य कहा आपने। प्रपंच में समस्त बुद्धिमान पुलिस वालों में हमारे पुलिस वाले ही बुद्धिमान हैं। राम नाम सत्य है भैया। डीसीपी साहब एक पते की बात बताता हूँ। अमेरिका में हत्या होने के पश्चात 1 घंटे में पता लग जाता है कि हत्यारा कौन है। चाइना वाले 2 घंटे में पता लगा लेते हैं, अफ्रीका वाले 4 घंटे के अंदर पता लगाते हैं, परंतु हमारे पुलिस वाले हत्या बलात्कार होने से 12 घंटे पहले ही पता लगा लेते हैं। वाह क्या पुलिस है हमारी। डीसीपी साहब लीजिए आपका टुकड़ा आ गया। आपने यूनियन लीडर का जो कत्ल किया है साहब उसका 10% भी नहीं है। डीसीपी तेरी औकात जितना है उतना दिया हूँ, उससे ज्यादा उम्मीद करना तेरी सेहत के लिए खराब है। तू कोई मौत का सौदागर नहीं है, फोड़ ले यहाँ से, उसमें भलाई है। विवेक ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ दादी माँ इस घर को बेचना ही पड़ेगा। अपना कर्जा चुकाने के लिए घर तो क्या सारा मोहल्ला बेच दे। तू अपना मुंह बंद करके खाना खा, तेरे दादा के खून पसीने की कमाई है। जब तक मैं जिंदा हूँ ऐसा नहीं होने दूंगी, याद रख। और अगर तुम्हें बेचना ही है तो मेरे मरने के बाद। भैया अच्छी राय है, चुप करो खाना खा। दादी माँ क्यों ऐसा कह रही हो, ये घर नहीं बेचूंगा ठीक है? भैया आप लोग इतनी तकलीफ उठा रहे हैं, मैं पढ़ाई छोड़ दूं क्या? क्यों ब्रदर ये क्या कह रहे हो? तुम्हें विद्याधर नाम क्यों रखा है जानते हो? ताकि तुम पढ़ लिख कर विद्या हासिल करके घर का नाम रोशन करो। ऐसे करो तो कैसे चलेगा? देखो विद्या सबको हासिल नहीं होती, मैं 3 बार इम्तिहान में लुढ़क चुका हूं जानते हो। वो तो ठीक है, तुम कुछ आईएएस आईपीएस कह रहे थे, उसके लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी? बुक्स ट्यूशन फीस एग्जाम फीस हॉस्टल फीस सब मिला के 2 लाख रुपए लग जाएंगे। 2 लाख? दो लाख कौन सी बड़ी बात है भैया, इंतजाम कर देंगे। हाँ हाँ अगर इसने एडजस्ट कर दिया तो ये मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाला भी एडजस्ट कर लेगा। देखा भैया गार्ड मदर जबान चला रही है। तू चुप नहीं रह सकता? इसकी बातें सुनने के बाद मैं नहीं खाऊंगा, नहीं चाहिए। विजय तू खाना खाएगा या नहीं? ठीक है आपकी खातिर खा लूंगा। दादी माँ आप थोड़ा शांत हो जाइए ना। विद्याधर किसी भी हालत में पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, जितना खर्चा है मैं उठाऊंगा, अब तो खुश हो ना? ले आ गई तेरे गधों की गैंग, चारा चढ़ने वाले गधे को घूमने वाले गधों ने बिगाड़ दिया, बहुत खा लिया अब जा। क्या कहा? मैंने कहा जा। जाता हूँ, प्लीज कूल डाउन। जब मैं शाम को ऑफिस आऊंगा तो मेरे लिए चिकन फ्राई मटन फ्राई बना के रखना, समझी? इतना ही काफी है यार। 2 दिन पहले तुम्हारी उम्र 65 की हो गई ना, तो चिकन 65 बना के रखना, टिप्स दे दूंगा। टिप्स देगा मुझे? टिप्स देगा? टिप्पू सुल्तान है क्या ये? बिल्कुल अपने दादा की तरह है, वो भी मुझे यूं ही परेशान करते थे। हाँ
मिट्टी को जो करते सोना, सोना को जो करते मिट्टी खिलाड़ी। सबकी जो करते छुट्टी, मिट्टी को जो करते सोना, सोना को जो करते मिट्टी खिलाड़ी। एक दिन को मिले छुट्टी और घर में है सब सीधी। कोई फिल्म देखे, कोई सीरियल देखे, कोई क्रिकेट के मैच देखे, फैशन टीवी देखे देखे जीने रिमोट ना करते पटाटा। सबकी जो करते छुट्टी, मिट्टी को जो करते सोना, सोना को जो करते मिट्टी खिलाड़ी। सबकी जो करते छुट्टी, मिट्टी को जो करते सोना, सोना को जो करते मिट्टी खिलाड़ी। आगे सभी ऐसे मैं पीछे, लग जाए जो लटरी तो किस्मत की खुल जाए टोकरी। किस्मत जो है फूटी तो हो जाए छुट्टी, सच्चा हो दिल तो मिल जाए हर किसी को खुशी। सबकी करते छुट्टी है चलो तुम भी। सबकी जो करते छुट्टी, मिट्टी को जो करते सोना, सोना को जो करते मिट्टी खिलाड़ी। हाँ सबकी जो करते छुट्टी, मिट्टी को जो करते सोना, सोना को जो करते मिट्टी खिलाड़ी। बहुत लेट हो गया यार, डांस सॉलिड था गुरु, मजा आ गया। अरे देना, मुफ्त में मिल गई तो खींचते ही जाएगा। अब मेरे बापू की बात एकदम सच हो गई है। कौन सी बापू, किस बापू की बात कर रहा है? बापू मतलब हमारे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, अभी तक याद है तुम्हें? चलो पहुंच गए। जब देखो महात्मा गांधी की बात करता है इसीलिए। ठीक है, बात नहीं, जरा उधर देखो। जिस दिन इस भारत देश में आधी रात में अकेली औरत बिना डर के जब जाएगी, उसी दिन हमारे देश को आजादी मिलेगी, ऐसा बापू ने कहा था। वाह वाह वाह, ये बात मैं उसे जाकर बताता हूँ और उससे गांधी जी के बारे में जाकर धन्यवाद लेकर आता हूँ। ऑल द बेस्ट, जाओ लेकर आओ, लेकर आओ, जाओ 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 लेकर आओ। एक्सक्यूज मी मैडम। हाय हाय, अब पता चलेगा हमारे देश में आधी रात को आधी औरत ही घूम सकती है। आजा, आजा। क्यों बच्चू, थोड़ा थोबड़ा दिखाना। थोड़ा थोबड़ा तो देखो इसका, महात्मा गांधी के भक्त की ऐसी दशा नहीं होनी चाहिए। तू कहीं का बड़ा आया, महात्मा गांधी के औलाद, आधी रात और आजादी। अरे चश्मुद्दी इधर आ, तुझे बुला रहा हूं। क्या है सर जी? कहां से घूम के आ रहा है? फंक्शन था, गणेश पूजा से आ रहा हूँ। झूठ बोल रहा है, किस बार से आ रहा है? बाहर से नहीं आ रहा, सूंघ के देख लीजिए। नहीं।
उसे थप्पड़ क्यों मारा? बगल वाले गली में यूनियन लीडर का मर्डर हो गया है, इतनी रात गए कहां घूम रहे हो? क्या देख रहा है? ए पी गौड़ा, पी के ड्यूटी तो नहीं करे, देख रहा था। ए! असली अपराधी को पकड़ने की हैसियत नहीं है तुझे, और तुझे ये कैप और ये जीप बेकार है, जाके घर में सो जा बच्चे। क्यों घूरता रे, घूरता क्या रे? मारेगा मारेगा, हाँ मारेगा, मार मार। विजय गोली नहीं चलाना, विजय ऐसे क्या देख रहे हो? आपसे शक्कर मिलती जुलती है बोल के थोड़ा प्यार क्या दे दिया उसे, वो तो सर पे चढ़ के बैठ गया है। ऐसे ही होता रहा तो उसके फ्यूचर का क्या होगा बोलिए आप? आ जाने दो उसे, उसकी अकल ठिकाने लगा के रहूंगी। हाँ मुझे नहीं पहचानी?
ओहो मेरे देवदास तुम हो। मेरे देवदास मुझे छू नहीं पा रहे, मुझे छू नहीं सकती। तुमने माया बाजार फिल्म नहीं देखी? हम दोनों माया बाजार देखने गए थे ना। अभी मैं आत्मा के रूप में हूँ, मुझे छूगी तो मैं माया हो जाऊंगा। तो नहीं छूंगी, गलती माफ कर दो। ओ तो ठीक है, क्यों पारू बेकार में तुम अपने पोते को डांटती रहती हो। वो बहुत बिगड़ गया है, आप नहीं जानते। आज आने दो उसे, हाथ पैर तोड़ के रख दूंगी उसके। नहीं पारू, ऐसा जुल्म अपने पोते पर कभी नहीं करना। वैसे भी तुम अपने पोते को कौन समझती हो? कौन है जी? वैसे ही थोड़ा फ्लैशबैक में जाना, वही चीकू के बगीचे में। अभी तक मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए अपने पोते के रूप में आकर तुम्हारे पास ही रहता हूँ। इसका मतलब वो आप ही हैं? तुम्हारी कसम पारू, अपने पोते का रूप मैं ही हूँ। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? ये आइडिया तो अभी आया ना। पारू, अगली बार जब मैं तुमसे मिलूंगा ना, तो डिटेल में बताऊंगा। तुम्हारा पोता अगर रात में देर से आए तो वो नाकारा हो गया है, ऐसा उसे डांटना नहीं, चिल्लाना नहीं, क्योंकि विजय मैं ही हूँ। उसे डांटोगी तो लगेगा कि तुम मुझे डांट रही हो। स्वर्ग में रहने वाले मुझे बहुत दुख होगा। पारू, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आज के बाद मैं उसे कुछ भी नहीं कहूंगी। जब आप आ ही गए हैं तो बस एक निवाला खाने का खा के चले जाइए। नहीं पारू, वहाँ स्वर्ग में मेरी खातिर रंभा, मेनका, उर्वशी इंतजार कर रही होंगी। गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो गॉड मदर। पारू, मैं गॉडफादर हुआ तो तुम गॉड मदर हुई ना? तुम्हें छेड़ रहा था बस। पारू, मैं स्वर्ग जाकर तुम्हें वहाँ जल्द से जल्द बुलाने की कोशिश करूँगा। पारू, सच में? पारू, हम वहाँ ड्यूएट गाएंगे। तो अलविदा पारू, तुम अपनी आंखें बंद करोगी, अपने देवदास को नमस्ते करो। ठीक है मेरे देवदास। तेरी तो दूंगा एक। कहाँ गए मेरे देवदास, कहाँ गए? गॉडफादर, बचा लो मुझे। क्या हुआ? दोनों स्पीकर आउट हो गए? कितनी देर से चिल्ला रहा हूँ, सुनाई नहीं दिया क्या? मैं पता नहीं किन ख्यालों में खो गई थी। दूंगा ना तो गॉडफादर के पास चली जाओगी, समझे? ऐसे क्या घूर रही हो, खाना ढूंस लिया? अफो, खाना खाई के नहीं? तू आएगा इसलिए तेरा इंतजार कर रही थी। ठीक है, वक्त पे खाना खा लेना चाहिए। मैं 4 बजे वापस आऊंगा, तब तक इंतजार करोगी? सेहत का भरता बन जाएगा। चलो खाना खा लो, खड़ी क्यों? चलो। काम हो गया? यही चिंता दिन रात मुझे खाई जा रही है, लेकिन क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें भी मायके भेजना है, उसके लिए भी पैसे नहीं है मेरे पास। जैसे भी विद्याधर की फीस भरनी है, उसका भी इंतजाम नहीं हो पाया। तो एक काम कीजिए ना, मेरे गहने गिरवी रखे उसकी फीस भर दीजिए। नहीं लक्ष्मी, कितने दिनों से मेरी आरजू थी कि तुम्हें एक जुड़ी कंगन और एक रेशमी साड़ी दिलवा दूं, लेकिन ये आरजू ही रह गई। अगर ये बात विद्याधर को पता चली तो ये पढ़ाई रुक देगा। मुझे कुछ करना होगा। गुरु, अगर ये कैमरा बेचे तो 400-500 रुपए मिल सकते हैं। हाँ। ये चश्मा रहने दो, इसे रहने दो। गुरु, ये वॉच बेचेंगे तो 200 रुपए मिल जाएंगे। हाई स्कूल पास होने पर मेरे डैड ने ये वॉच गिफ्ट में दिया था। गुरु, कल मेरे पास बहुत पैसे थे लेकिन मैं गरीबों में बांट दिया। अरे उल्टे सीधे आइडियाज मत दो यार,
अगर हम पांचों इस सड़क पे खड़े होके बिक भी जाए ना तो मेरे भाई की जरूरत में से पैसा भी पूरा नहीं कर पाएंगे। हाँ अरे कोई मसूरी जगह है, बहुत दूर है, पैसा बहुत खर्च होगा, बहुत बड़ा शहर है। उनसे खाली पीली पंगा ले लिया, कसम खा के 50,000 मांगता तो मांगता वरना खा ले। अरे देखो ना कुछ लफड़ा हो रहा है, जाओ जाओ ना यार। साले मेरे सामने बड़ा साना बनता है, तेरे को काट देगा भैया। कसम भोपाल की मार दिया मेरे को। अरे भगवान क्या कर रही है ये। उस गुंडे को मैंने 30,000 रूपए दे के घर खाली कराने को बोलिया, वो मेरे को बोलिया 50,000 लूंगा। मैं बोला कहाँ से दूंगा भैया, लेकिन मान ही नहीं रहा, मेरे को रेपटा मार दिया। ये लोगो 30,000 रूपए, अब इससे ज्यादा और क्या होगा। हम खाली करवा देंगे, ठीक है हम खाली करवा देंगे। कसम भोपाल की खाली करा देगा तू? हम खाली नहीं कराएंगे, वो हमारा बारूद बॉस खाली कराएगा। गुरु 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 कमाई का एक रास्ता निकला है, एक झटके में 30,000 कमा लेंगे। 30,000? कुछ नहीं करना, गुंडागर्दी करनी है बस। गुंडागर्दी? बस तुम्हारे भेजे में भूसा तो नहीं भरा, मुझे क्या गुंडा समझ रखे हो? जा तेरी। गुरु मेरी बात सुनो, हमारी ये घर उसका अपना है, उसे खाली कराना कोई गुनाह नहीं है। हाँ भैया मैं सीधा आदमी हूँ, बस वो किराएदार आकर मेरे मकान में कब्जा कर लिया, उसने खाली करने की बात कही तो बॉक्सिंग करने लगा मुझसे। वो जो कहो मेरे 2,000 चूजे, भाड़ा भी नहीं दे रिया, मकान भी नहीं खाली कर रिया। तुम सुपरमैन हो भाई, 2 रेपटे मार के मकान खाली करवा लो। कदम भोपाल की ये ले लो, ले लो चलो देखते हैं। यही घर है क्या? जाके बुलाओ से। एक है डमरू बजा रहे हो, जाओ जाके बुलाओ। कसम भोपाल की बहुत ही खतरनाक पार्टी है भैया बॉस। देख लूंगा कितनी खतरनाक पार्टी है, पहले जाके बुलाओ तो सही। अरे जाओ ना, तुम लोग तैयार हो ना? हाँ गुरु। वो क्या है कि मैं अरे क्या हुआ, क्या हुआ भोपाली? भोपाली को मार के पाली बजा दिया भैया, ऊपर से नीचे एयर कंडीशन। गुड लक भैया। अबे चुप कर, डरपोक की औलाद, देखता हूँ। अबे अंदर कौन है? देना ये ले, तेरा पैसा भी नहीं चाहिए, तेरा घर भी नहीं खाली करवाएंगे, जाते हैं से। बस भैया मैंने पहले ही बोला था डेंजरस पार्टी है वो। देख रहे हो मेरे रगों में बारूद है, फटेगा तो फना हो जाओगे। झूठ क्यों बोला था? लड़की क्यों नहीं बोला था? क्या? अरे अंदर लड़की है यार, कुछ करेंगे तो अपनी इज्जत का फालूदा हो जाएगा। चलो चलो। गुरु गुरु वो लड़की नहीं, प्रेतिन है, चुड़ैल है, राक्षसी है। उस प्रेतिन चुड़ैल राक्षसी को तुम रख लो, और ये पैसे भी रख लो। 30,000 भाई रकम। हाँ गुरु, इन सबसे बढ़ के इज्जत का सवाल है गुरु, एक लड़की से वो भी तुम हार जाओ। तुम सही कह रहे हो, बिल्कुल सही, पैसे से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी है। हाँ, 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 गुरु। निपट के आता हूँ। जाओ भोपाली। भोपाल भला करी। पैसे संभालना। संभाल के गुरु। रकम ठीक है, ठीक है। कैसे रही तू? दादा की नहीं दिखाएगा मुझे, कैसे निकालेगा? हाँ मुझे क्या समझ रखी हो, मैं इस एरिया का गुंडा हूँ।
तुम्हारी मुंडी काट के घर से अलग कर दूंगा, समझे? निकालो बोर्ड, निकालो। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी हो तुम? ए, फेको, फेको नीचे। ए, हमला कर दो, सामान निकाल के बाहर फेको। एक लड़की होकर आदमी पे हाथ उठाती है, ये तेरे बाप की उम्र का है? झुक झुक जा, झुक जा। अबे भोपाली डबरो बजाना बंद कर, अबे तेरी बात मानेगी? झुक झुक जा, चल पैर छू ले। यही मर्दों का सेवा है। ए, ए, कितने दिनों से भाड़ा नहीं दिया? इसने आज तक भाड़ा ही नहीं दिया भैया। बुकेट में, बुकेट में नहीं रही है तेरी तो। कपड़े खरीदने पैसा है, लिपस्टिक के लिए पैसा है, बनाओ सिंगार के लिए पैसा है, भाड़ा देने के लिए पैसा नहीं, गर्दन काट डालूंगा। पूरा बकाया भाड़ा चुकाना होगा, समझ गए? चल चल। विजय, इतने सारे रुपए कहां से आए? कहां से आए, कैसे आए, कब आए, ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। आर यू हैप्पी नाउ? ओके बाय। ये बताओ पैसे कहां से आए? ओफो, ये पैसे कहां से आए, कैसे आए, ये मत पूछो ब्रदर। पूछने वाला मैं हूँ। भैया बताओ कहां से आए पैसे? ऐसे पूछ रहे जैसे मैं पिक पॉकेट करके लाया हूँ। और नहीं तो क्या, गुंडागर्दी करके लाया है? मैं कोई गुंडा नहीं हूँ। तो क्या उधार मांग कर लाया है? नहीं। अगर ये सब नहीं किया तो इतने सारे पैसे कहां से है, बता। ए विवेक, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो उस पर? ये जो कुछ भी बोलता है बिल्कुल सच है। ये कौन है समझता है? भैया मैं सारी बात तफसील से बता दूंगा बाद में, चलता हूँ। वो वापस आके सब कुछ बताएगा। मदर इंडिया, क्या बात है बेटा? आपकी पसंदीदा रेशम की साड़ी और ये रेस होने के कंगन। ओके, मतलब रात में तूने हमारी बातें सुन ली? भैया मैं सारी बात आपको तफसील से बता दूंगा। काना वो बोल रहा है ना, सारी बात बताएगा, वो जरूर बताएगा। वो नहीं बताएगा, मैं बताऊंगी। ये छप्पन छुरी यहाँ क्यों आ गई? अगर मालूम होता कि छप्पन छुरी यहाँ आने वाली है तो वहीं क्लोज कर देता। कौन है बेटी तू? सारे तामझाम के साथ यहाँ पर आ गई? गॉड मदर, जहाँ छाया मिले वहाँ आशियाना बसाने वाली चिड़िया है, इसे होशियार रहना होगा। एक्सक्यूज मी, संभाल के हूँ। छाता, मेरे हाथ में ही छाता देते। तेरी तारी, रुक जा, बंजारन की तरह घर में घुसी और कमरे में भी घुसती है, एक दूंगा ना। मेरी खूबसूरती कहाँ पर महफूज रहेगी, यही सोच रही थी। खूबसूरती मेरी रगों में बारूद है, फटेगा ना तो फना हो जाएगी, समझे? मारेगा, मारेगा, मारना, मार के दिखाएगा। तेरी मार खाने के लिए ही तो मैं यहाँ पर आई हूँ। मारना, मारना। गॉड मदर, मेरी गॉड मदर को अपनी गॉड मदर बनाती है तेरी? दादी, इस अबला नारी के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है क्या? एटलीस्ट इस घर में एक दरवाजा, एक खिड़की, कुछ भी नहीं है क्या? सुनो, ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हारे घर के दरवाजे और खिड़कियाँ खुली थी और तुम्हारी खूबसूरती फना हो गई। पहले इस खिड़की। दादी, दादी देखो ना, देखो ना। गॉड मदर, मैं कह रहा था कि उसकी खिड़की। शराफत से अंदर चला जा। गॉड मदर, उसकी खिड़की बंद कर। अरे पहले मेरी बात समझने की कोशिश करो, उसकी खिड़की में। गॉड मदर, मुझे क्यों मार रही हो? पहले उसकी खिड़की बंद करो, पहले। गॉड मदर, वो क्या है? इधर आओ, ये लड़की कौन है? तेरा इस लड़की से क्या रिश्ता है? खुदा कसम, उसका मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ए, बिना किसी रिश्ते के इतने हिम्मत से वो घर के अंदर कैसे आई? ये भी तो सच है। जवाब दे, बता मुझे। बताता नहीं है, बता मुझे। अरे अरे रुक जा। अरे मेरी कमर उठा के बता, कौन है ये लड़की? पारो, क्या हुआ पारो? मेरे देवदास, आप आ गए क्या? तुम्हारा गुस्सा देखकर घर में कुछ अनहोनी हो रही है, सोच के मैं आ गया पारो। क्या हुआ? बताती हूँ, पहले आप अपना गुस्सा कम कर लीजिएगा। मेरा गुस्सा नहीं, तुम्हारा गुस्सा पारो। हाँ, तुम्हारा हमशक्ल जो पोता पैदा हुआ है ना, वो एक लड़की को घर ले आया। पता नहीं कौन लड़की है जिसे वो यहाँ पर लेकर आ गया है। आपके जमाने से लेकर आज तक भी हमारे खानदान में ऐसा
पहले कभी नहीं हुआ है। जैसा तुम समझ रही हो हमारा पोता वैसा नहीं है पारू, तुम खामखा उस पे शक कर रही हो पारू। अब बस भी करो, वो लड़की कह रही थी अब मेरा कौन हाथ थामेगा, मैं किसके साथ रहूंगी, ऐसी बातें वो कर रही थी सबके सामने। एक जवान लड़की को यहाँ पे मैं कैसे रख सकती हूँ, आप ही बताइए। पारू, जो भी इस घर में होगा उसे अनदेखा करके तुम चुपचाप रहना, यह सब तुम्हारा पोता नहीं कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो ये सब कुछ आप ही कर रहे हैं। हाँ, देख के भी अनदेखा करूँ? हाँ। अब गार्ड मदर, हाँ? यहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा था? अब मेरे बदन में कुछ हो रहा है। मेरे देवदास चले गए। दीदी, इस दुनिया में मेरा अपना कहने वाला कोई भी नहीं है। दीदी, मैं अकेली लड़की हूँ, ऊपर से गरीबी हूँ, अगर मैं यहाँ वहाँ रही तो मेरी इज्जत का क्या होगा? दीदी, मैं बहुत मजबूर हूँ, 2000 रुपए भाड़ा देने के लिए भी मुझ में ताकत नहीं है। देख, उस लड़की के बारे में मैं एक फैसले पे पहुँच चुकी हूँ, अगर तूने उसमें कोई रुकावट डालने की कोशिश की तो मेरी कसम लगे। जब तक तुम्हें कहीं घर नहीं मिलता तुम यहीं रह सकती हो। आप सच कह रहे हैं क्या? हाँ बेटी, तू यहाँ रह सकती है। सच में? कम से कम आपने मुझे समझा। हाँ। मेरा कमरा कहाँ है? राइट में या लेफ्ट में? राइट में जाना, बाथरूम में, वही तुम्हारा कमरा है। बहुत हो गया, अपना मुंह बंद कर, तू जा बेटी। थैंक यू दादी, साइड प्लीज। देख रही हो मेरे रगों में बारूद है, फटेगा ना तो फना हो जाएगी। ए, इस तरह से हाथ क्या दिखा रहा है? कुछ नहीं गार्ड मदर, इशारा कर रहा था, इशारा। अरे यही रहने के लिए, यही रहने के लिए। ये बात है, तू अंदर जा बेटी। उस यूनियन लीडर का खून तुम लोगों ने मिलकर किया ना, इस बात को मान लो वरना। इनका लीडर आया है, ले पकड़। तो उस आतंकवादी गैंग का लीडर तू ही है ना? अगर तुम्हारी नजर में वो आतंकवादी गैंग है तो उस गैंग का लीडर मैं ही हूँ। क्या मिस्टर शेखर, वो लोग आतंकवादी नहीं है, समाज सेवक है। उन समाज सेवकों ने मिलकर ही उस यूनियन लीडर का खून किया है, तुम जानते हो? खून किया है? तुम पुलिस वाले किसी का खून करवा भी सकते हो और कर भी सकते हो। हम पुलिस वालों पर इल्जाम लगाने का अंजाम तो बिल्कुल नहीं जानता है। सीधी तरह से अपना गुनाह कबूल कर ले तो सजा कम हो सकती है। हाँ, कबूल करता हूँ, जब तुम इतनी जबरदस्ती कर रहे हो तो कबूल करता हूँ। कल अदालत में खून करने वाले हम सिर्फ 5 नहीं है, हमारे साथ एक और था, ऐसा प्रूव करो। तो असली कातिल कौन है? तू है बे। मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन। रुक जाओ, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा घर नहीं। खामोश। क्यों खामोश है? कब तक आपकी बातें सुनकर हम खामोश रहे? यूनियन लीडर का खून लगे कितने दिन हो गए? अपराधियों को क्यों गिरफ्तार नहीं किया? आप लोगों को गलतफहमी हुई है, उन मुजरिमों को पकड़कर हमने तहकीकात शुरू कर दी है। किससे तहकीकात कर रहे हैं? उन बेगुनाहों को पकड़कर तकलीफ दे रहे हैं। वो बेगुनाह है, ये गलत है क्या? शराब, ये क्या भौंक रहा है तू? मैं भौंक नहीं रहा हूँ, तुम भौंक रहे हो। सच्चाई जानकर बात कीजिए, ये खून शंकर पाटिल और उसका भाई जयराज पाटिल ने किया है, ये सारा गांव जानता है और उसके सारे सबूत मेरे पास है। अगर आपने कल सुबह तक उन्हें अरेस्ट नहीं किया तो ये सारा मामला सारे अखबारों में होगा। शाबाश गांधी, शाबाश। चंद सिक्कों के लिए बिककर किसी के भी खिलाफ और किसी की भी तारीफ में लिखने वाले पत्रकारों के बीच तुम जैसा अगर एक भी गांधीवादी ईमानदार पत्रकार हो तो काफी है, उसके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। और ऐसे खाकी लिबास वाले गद्दारों के करतूतों का भांडा भी फोड़ सकते हैं। रिश्वत देकर सरकार से तुमने कंधों पर सितारे लगाए हो, इससे कहीं ज्यादा बुलंद कुदरत ने हमें सितारे दिए हैं। जब तक तुम लोग मासूमों को आतंकवादी कहते रहोगे तब तक हर सेकेंड हर लम्हा एक नया आतंकवादी पैदा होता रहेगा।
यही सच्चाई है। इधर सुन, एक बात जानता है तू, दौलत के ताकत में बहुत दम है। सबूत के फोटोग्राफ कहाँ है? बता। फालतू इसे तकलीफ क्यों दे रहा है? इसके जिंदा रहने तक सारे सबूत भी जिंदा रहेंगे, इसके खत्म होते ही सारे सबूत खत्म हो जाएंगे ब्रदर। शैतान God bless you. ऐसे क्या देख रही हो? मुझे देख के कुछ कुछ होता है क्या? हम दोनों 2-in-1 ट्रांसिस्टर की तरह है। तुम्हें मेरे पोते को देखती हो तो कुछ कुछ होता है ना? वो कहता है कि उसकी रगों में खून नहीं बारूद है, फटेगा तो फना हो जाऊंगी। अब मैं क्या करूं? तो देर किस बात की, तुम भी उसे फना कर दो। हम हो गए आपके, बीत
गए पल वो मिल गए नैनियो ना तुम जानो ना हम तुझे मेरी कसम प्यार से दिल मिला किस्मत से तू मिला प्यार का ये सिला प्यार का ये सिला इस दिल में है बस तू कुछ 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 मुझे कुछ कुछ हो गया ए दिल कुछ कुछ हो गया मुझे कुछ कुछ हो गया ये दिल कुछ कुछ खो गया दिल तो पागल हो गया ये दुआ करो अब कुछ 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 चुच मुझे कुछ कुछ हो गया ये दिल कुछ कुछ हो गया मुझे कुछ कुछ हो गया ये दिल कुछ कुछ खो गया दिल तो पागल हो गया ये दुआ करो अब कुछ 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 गॉड मदर वो तुम्हारी सौतन बनने की कोशिश कर रही है ऐसी लड़की को तुम अपने घर में रखी हो शाम को दूध पिला रही हो तुम्हारे पति को ही लाइन मार रही है पारू देख रही है पारू देख रही है अब बस करो हे भगवान पता नहीं क्यों मेरा देवदा चंद्रमुखी के चक्कर में फंस गया मेरी सौतन बन गई आह मेरे पति के फोटो को देख के इतना मचल रही है ये अगर ये उन्हें सामने देख लेगी जान गई ना ये उन्हें लेके यहाँ से भाग जाएगी करक। ये चंद्रमुखी आह कन्या कुमारी चार्ज बहुत अच्छा किया क्या हुआ गार्ड मदर क्या बात है तुम लोग उदास क्यों हो मदर इंडिया क्या बात है भैया हर कोई क्यों उदास है बड़े भैया चरण स्पर्श मैं यहां कुशल पूर्वक रहकर आशा करता हूं आप लोग भी सौ परिवार कुशल मंगल होंगे परिवार के उत्तरदायित्व को परिश्रम करने के पश्चात आप पूर्ण कर रहे होंगे आईएएस ऑफिसर बनने के पश्चात आपके उत्तरदायित्व को मैं संभालना चाहता हूं भैया एग्जाम होने वाले हैं फीस भरने के लिए समय बहुत कम है यदि आप फीस के पैसे भेज दें तो बहुत उपकार होगा मुझे आभास है ये आपके लिए एक भार है आप लोगों की दशा मैं समझता हूं आपका ये उपकार मैं आजीवन नहीं भूलूंगा दादी माँ बड़े भैया और भाभी को मेरा प्रणाम विजय और बच्चों को मेरा आशीर्वाद आपका अनुज विद्याधर विजय विद्याधर के स्वभाव को तुम अच्छी तरह जानते हो मुझे डर है कि हमारी वजह से वो अपनी पढ़ाई ना छोड़ दे अब मैं क्या करूं चुपचाप आई थी वयोजा पहला ना पैसा तो बाकी छे कोर्ट नी नोटिस मोकलवानो छो हूं तारो भाई तो एजुकेटेड छे ने नानी मोटी नौकरी पावी दे जा आई थी जा कैसी भी इस बार हमारी मदद कर दो सुरेश भाई इस वक्त हम बड़ी मुसीबत में हैं मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा सही वक्त पर आपका पैसा बेकार में परेशान मत कर बात तो सुनी ड्राइवर गाड़ी रोकना मिस्टर विजय प्लीज कम मेरे साथ चलो ऑर्डर कर रहे हो ये ऑर्डर नहीं है दरख्वास्त है तुमसे एक जरूरी काम है प्लीज कम क्यों डेसी भी तुम्हारा आदमी कहाँ है आता ही होगा इंतजार करो भैया डीसीपी भी इंतजार करने लगा है हाँ
लाओ दो। ले प्यास बुझा ले, तेरे लिए मैं खास मिनरल वाटर लेकर आया हूँ। मुझे चाहिए गंगा जल, मिनरल वाटर नहीं, इसे तुम ही रख लो। अति उत्तम, विष्णु का नया अवतार यही है, ये मेरे पंचांग ने पहले ही बता दिया था मुझे। मैं कौन हूँ, क्या तू मेरे इतिहास से वाकिफ है? पाटिल, शंकर पाटिल। तेरी तारीफ इनसे बहुत सुन चुका हूँ। इधर सुन, तुझे पैसों की सख्त जरूरत है ये मैं जान चुका हूँ। तू हमारे काम को अंजाम दे दे, मैं तुझे पैसों से मालामाल कर दूंगा। तुझे काम क्या करना है ये मैं तुझे सही वक्त पर बता दूंगा, आगे तेरी मर्जी, क्या कहता है? मेरे पास पैसों की बहुत ताकत है, इसके अलावा हमारे पास रॉकेट मिसाइल्स वगैरह भी है, उसके लिए इंसानी ताकत चाहिए। तुम्हारे तकदीर को मैं तुम्हारा गुलाम बना दूंगा अगर तुम हमारे गुलाम बन जाओ। आजमा लो। ईश्वर के सन्मुख तुम सच्चे मन से जो भी प्राप्त करना चाहोगे अवश्य मिलेगा, अभिलाषा पूर्ण होगी, ये मेरा पंचांग कह रहा है। तेरी जो मुराद है वो मैं पूरी करूंगा, लेकिन मेरी जो मुराद है वो तुझे पूरी करनी होगी। सही कहा ना? जरा इस तरफ आएंगे? हाँ, क्या कहा? अरे आई ना मेरी तरफ। मैं वो बारूद हूँ जो तूफान का रुख भी बदल देता है, तो तुम क्या बला हो? फटूंगा तो फना हो जाओगे। ये छोटे मोटे पटाखों के साथ घूमना तुम्हारा शौक है। ए! वहाँ क्या कह रहे सब लोग, इधर आओ। अरे ये मेरे पंचांग की भविष्यवाणी उल्टी कैसे हो गई? देख लिया, सिर्फ बारूद का नाम सुनते ही तुम्हारे छोटे मोटे पटाखों का रुख कैसे बदल गया? शेर अपनी हिफाजत के लिए कुत्तों का मोहताज नहीं होता। अब इस बारूद की धमक सुन लो। मेरा अंदाज अलग है, आगाज अलग है, और तुम्हारा अंजाम भी अलग है। अपने अंजाम से घबरा कर तुम मेरा सहारा चाहते हो? एक बात सुन लो, पहाड़ों को भी फना करने की ताकत इस बारूद में है, तो तुम जैसे तिनकों का क्या होगा? बकवास बंद करो, जिंदगी में आगे आने का तुम्हारा कोई इरादा है या नहीं? अबे चुप कर, सरकार ने तुम्हें खाकी वर्दी दी है लोगों की हिफाजत करने के लिए, ऐसे कमीनों की दलाली करने के लिए नहीं। पाटिल, तुम अपने कुत्तों से कह दो ये सब्जी काटने की छुरियाँ औरतों के हाथों में होती हैं जो चूड़ियाँ पहनती हैं। शेर किसी खंजर का मोहताज नहीं होता। असली खंजर पकड़ने के लिए क्या चाहिए पता है? हौसला चाहिए। वो हौसला किसी बाजार में नहीं बिकता। सच्चाई बताऊं, मेरी रगों में बारूद है, फटेगा तो फना हो जाओगे। भाई थोड़ी मदद कीजिए, उठाइए उठाइए। मेरी बेटी ने ही एक्सीडेंट किया है, इसका क्या सबूत है? सबूत? इसका सबूत चाहिए आपको? वो एक्सीडेंट मैं अकेला नहीं, बहुत सारे लोग देखे हैं। सबूत कहाँ और कैसे लाना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मिस्टर, एक्सीडेंट मेरी बेटी ने ही किया है, ये एकदम सच है, लेकिन इकलौती बेटी है इसकी, कल शादी होने वाली है, यह बात अगर पुलिस को पता चली तो ससुराल की जगह जेल चली जाएगी, ये शादी की सारी खुशियां मातम में बदल जाएंगी। तुम अच्छी तरह जानते हो कि एक ससुराल जाने वाली बेटी के बाप का दर्द क्या होता है। मैं समझता हूँ, लेकिन एक्सीडेंट जिसका हुआ उसका, उसके साथ मैं अन्याय नहीं होने दूंगा। अस्पताल का सारा खर्चा मैं देखूंगा, अगर तुम्हें यह भी कम लगता है तो उसके बदले मैं बेटी के गुनाह को अपने सर पर लेकर जेल जाने को तैयार हूं। अगर आप ही जेल जाएंगे तो कन्यादान कौन करेगा?
दादी माँ, विजय आज देर से आएगा, अब सो जाइए ना। चाहे कितनी भी देर हो जाए, उसे खाना खिला के ही मैं खाऊंगी। अजीब बात है, सामने होता तो डांटती है, जब दूर रहता तो तड़पती है। ये आप नहीं समझेंगे, इसे ममता कहते हैं। दादी आप सो जाइए, मैं उसे परोस दूंगी। अपने पोते को मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी, तुम दोनों जाके सो जाओ। विजय, साहब जी तुम्हें बुला रहे। मुझे? हाँ सर, आपने मुझे बुलाया। सर आप? विजय, मैंने जेलर होते हुए भी ये गलती की है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल नहीं होता तो मैं हरगिज ऐसी गलती नहीं करता। पुरानी बातें छोड़िए सर, आपकी बेटी खुश है ना? बहुत खुशी से है वो। बस उतना ही काफी है। तुम देवता हो, इंसान की शक्ल में फरिश्ता बनकर अवतार लिया है तुमने। तुम्हारे जैसा नेक और शरीफ इंसान मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। ये क्या सर, आप मुझे फरिश्ता? नहीं, तुम फरिश्ते हो, तुम फरिश्ते हो। प्यारे विद्याधरन, मैं जेलर विश्वनाथ राव तुम्हें ये खत लिख रहा हूँ। जिस जेल में तुम्हारा भाई सजा काट रहा है, मैं उसी जेल का जेलर हूँ। तुम्हारी पढ़ाई के लिए कुछ पैसों का डीडी बनाकर भेज रहा हूँ। तुम्हारे भाई के त्याग को मैं आजीवन नहीं भूल पाऊंगा। तुम जीवन में आगे सफल होते रहो, इसीलिए तुम्हारे भाई ने यह त्याग किया है, और आगे बढ़ो, पास हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विश्वनाथ राव। गॉड मदर। विजय, मेरे बच्चे, आगे पीछे कुछ भी सोचे बिना मैंने तुझे कितनी बार डांटा। जेल जाना तो जैसे हमारे वंश की परंपरा लगती है, मानो तुम्हारे दादा भी देश के लिए जेल गए थे, और तुम भी अपने घर के लिए, अपने भैया के लिए कितना बड़ा त्याग कर दिए हो। इतनी छोटी सी उम्र में कितना बड़ा काम किया है। ये क्या गॉड मदर, तुम्हारा इस तरह रोना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे तुम तो गॉड मदर हो, एक आइटम बम की तरह मुझ पर बरसती रहोगी तो ही मुझे अच्छा लगता है। मैं तुम्हें छेड़ता रहूंगा, तुम मुझे डंडा लेकर पीटती रहोगी। लो पीटो। विजय, विजय तुम इंसान की शक्ल में एक फरिश्ते हो, तुम्हें आज तक मैं गलत समझता रहा। ये क्या भैया, छोटी सी बात के लिए बड़े बड़े लफ्जों का इस्तेमाल कर रहे हो। तुम हमारे लिए बड़े भाई नहीं, अपने बाप की तरह हो। मेरी शरारतों को तुमने सहा नहीं क्या? हाय हाय मेरे छोटू छोटी, तुम लोगों को पपी दिए कितने दिन हो गए। कमॉन कमॉन। गुरु, गुरु से मिलने आई हो? हाँ। तुम कौन हो? गुरुविन, मैं उनकी जोरू। क्या तुम हमारे विजय की बीवी हो सच में? हाँ। Is it? या। बैठो बैठो बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो, यहाँ बैठो। थैंक यू। आराम से बेतकल्लुफ होकर बैठो। क्या मिस्टर रामानुज, इस तरह खड़े क्यों हो? जाकर लस्सी चाय कॉफी कुछ लाकर दो ना। ओके सर। सुनिए। कहिए अंकल। उस विजय ने कहा वो कुंवारा है, उसकी शादी नहीं हुई, बैचलर है। हाँ, वो एक तरह से बैचलर ही है। भले हमारी शादी हो गई, लेकिन आज तक हमारी सुहाग रात नहीं हुई। सुहाग रात को सुहाग सेज पर मैं बैठ कर इंतजार करती रही, लेकिन वो आए ही नहीं। सुबह जब आंख खुली तो पता चला वो जेल में है, किसी एक्सीडेंट केस की वजह से। अब आप ही बताइए अंकल जी, वो बैचलर ही हुए ना? ये संकल, तुम बहुत किस्मत वाली हो, तुम्हें बहुत अच्छा मियां मिला है। ये लो बैरक की चाबी, इसे खोल कर अंदर जाओ, जी भर के बातें करो, हम लोग कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मैं भी नई नवेली दुल्हन हूँ ना। हाँ। मुझे यहाँ देखेंगे। हाँ। तो उन्हें गुस्सा आ जाएगा, वो चिल्लाने लगेंगे। हाँ। मगर आप वहाँ नहीं आइएगा, अगर आप वहाँ आ जाएंगे तो हम खुलकर बात नहीं कर पाएंगे,
आप समझ रहे हैं ना? You don't worry. वो चाहे जितना चिल्लाए, चाहे जितना शोर मचाए, मैं और मेरे स्टाफ का कोई भी आदमी वहाँ नहीं आएगा. Thank you. So sweet, uncle. ख्वाबों में भी आके परेशान कर रही हो. ये ख्वाब नहीं, हकीकत है. तुम कन्या कुवारी? नो, जेलर साहब, जेलर साहब, मुझे बचा लीजिए जेलर साहब. जो जहाँ है वहीं रहे, यहाँ से वहाँ कोई नहीं जाएगा, समझे? सब अपना अपना काम करो और उन्हें भी इंजॉय करने दो. ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? तुम चाहे जितना भी चिल्लाओ, यहाँ कोई नहीं आने वाला. ए, मेरी रगों में बारूद फटेगा ना तो फना हो जाओगी. इतना गुस्सा क्यों करते हो? दीवानगी ने हद कर दी, इसीलिए चली आई. यहाँ क्यों आई हो? चुंबन लेने. चुंबन? चुंबन नहीं जानते क्या? इंग्लिश में किस कहते हैं, हमारे लखनऊ में चुम्मा कहते हैं. चाबी, चाबी, चाबी देती हो कि नहीं? ओफो, अब चाबी ले लो. ले लो, ले लो ना. जब से प्यार मिलल बा हमका प्यार भइल बा, जब से प्यार मिलल बा हमका प्यार भइल बा. छूना छूना यार यम्मा, हे यम्मा यम्मा, बसा दिल में चुम्मा चुम्मा. हे लेना, दिल जो खो गया तो दिल क्या करे, दिल लाके कोई तो दो. जब से यार मिलल बा हमका प्यार भइल बा, जब से यार मिलल बा हमका प्यार भइल बा. निको सोया आपको जागा, क्या मैं रोया, रात दिन तड़पा. जब से प्यार मिलल बा हमका प्यार भइल बा, जब से प्यार मिलल बा हमका प्यार भइल बा. अये अये यो, अये अये यो.
अल्लाह अल्लाह जल्दी आ जा ना कर गिला ये दिल ना रहे अब बस में मेरे अब क्या करे दिल मेरा जब से यार मिलल बा हम का प्यार भइल बा जब से यार मिलल बा हम का प्यार भइल मैं दूंगा जा जा काहे रुठा है जा जा अरे भूल ना जा जा अरे भूल ना जा जा जब से यार मिलल बा जब से प्यार मिलल बा हमका प्यार भइल बा जब से यार मिलल बा हमका प्यार भइल बा जब से प्यार मिलल बा हमका प्यार भइल बा हाँ अब जेलर साहब आपने इस चाबी को इस लड़की के हाथ में दे दिया इसका मेरा कोई रिश्ता नहीं ये मेरी बीवी नहीं है ये तुम क्या कह रहे हो विजय अबे छोर अंकल अंकल आप ही बताइए ना अंकल क्या कोई लड़की अपने आप को किसी की बीवी बोलेगी क्या नहीं बोलेगी बिल्कुल नहीं बोलेगी विजय शादी के मामले में चाहे कुछ भी हो जाए भारतीय नारी किसी भी लिहाज से झूठ नहीं बोलेगी ओहो भारतीय नारी अगर ये सचमुच में मेरी बीवी है तो इसे दिखाने के लिए बोलिए दिखाओ 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 ना यहाँ पे कुछ मत करो अकेले में करो अरे ओफो जेलर साहब आप कुछ दूसरा दिखाने के लिए नहीं बोल रहा था मंगलसूत्र मंगलसूत्र अपना दिखा दो ना मंगलसूत्र बाथरूम में नहाते वक्त भूल गई ये क्या अरे भाई वो गलती से बाथरूम में भूल गई होगी और भारतीय नारी मंगलसूत्र निकाल के नहाती है चलो चलो कोई बात नहीं अगर ये मेरी सचमुच में पत्नी है तो सिंदूर दिखाने के लिए बोलिए पाँव में पुष्पा दिखाने के लिए बोलिए आउट 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 डोंट टच अंकल आउट अंकल आउट जेलर साहब पेट की तरह आपका दिमाग भी फूल गया है चोरों को अंदर करने की जगह पर चोरनी को अंदर कर दिया आपने अब मैं भी क्या करूं विजय गलती हो गई भूल से अच्छा मुझे एक डाउट है पूछो अगर मेरी तरह कोई मुजरिम यहाँ से भाग गया तो इस तरबूजे को लेकर उसको चेस कैसे करोगे अच्छा इतने सालों तक जेल का तजुर्बा हाँ मेरा पेट फूल के तरबूजा हो गया है सीटी बजाने वाले मेरे बाप अंग्रेजों के जेलर थे हमारा नाम है के सिंह अरे तेरे बारे में कौन नहीं जानता है हमारे बारे में ए बकवास बनकर तू मुलायम सिंह से जरा कम और लालू यादव से कुछ ज्यादा ही है अच्छा तू यहाँ उखाड़ने क्या आया पहले ये बता एक बीआईपी का मर्डर करवाना है जो कौन है वो रतगाह का एमएलए बिंदु मोदी ना हाँ उसको खत्म कर दिया तो हम ही कैंडिडेट हूँ होम मिनिस्टर बनने के लिए रेट लाख रुपया से ज्यादा करोड़ रुपया से कम देता है क्या मिल जाएगा होम मिनिस्टर बनना है तो लाख और करोड़ का क्या सोचना आज है एकादशी एकादशी मरण द्वादशी दहन त्रयोदशी संताप स्वाहा ए कुंडली इसके जीने के दिन ज्यादा और मरने के दिन कम स्वाहा स्वाहा हेलो आपसे मिलने के लिए कोई विवेक नाम का आदमी आया उसी विजिटर्स रूम में बैठाओ मैं आती हूँ ओके मैडम आइए सर आप यहाँ बैठिए मैडम अभी आ जाएंगी क्या हुआ यार आज बहुत जल्दी आ गए अरे नए दूल्हा हो ना सोचा कि तुम्हें जल्दी छोड़ दो ओ इसलिए थैंक्स भैया काम हो गया ना हो गया भैया वेरी गुड वेरी गुड स्वर्ग पहुंचा दिया ना लेकिन एक काम रह गया वो काम मैं ही पूरा कर देता हूँ वो क्या है भैया नहीं नहीं भैया मुझे मत मारिए नहीं भैया मुझे मत
गैया राम नाम सत्य है। Yes? मैं विवेक शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ कहिए क्या बात है। एमएलए बिंदुमती का जब कत्ल हुआ तब मैं उनके घर पर ही था, मैं उनसे मुलाकात करने के लिए गया था। Is it? उनके कत्ल करने वाले को मैंने अपनी आंखों से देखा। बिंदुमती का सिक्योरिटी गार्ड नहीं, उनका कत्ल किया है और सिक्योरिटी गार्ड का कत्ल शंकर पाटिल का भाई जयरथ पाटिल ने किया है, ये भी मैंने अपनी आंखों से देखा है। That's all, sir. ओहो, इसके पीछे कई लोगों का हाथ है। देखो मिस्टर विवेक, आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। वैसे आप इस वक्त कहाँ है? सर एपोलो हॉस्पिटल के सामने वाले पीछे से बोल रहा हूँ। आप वहीं पर रहिए, मैं अभी पहुँचता हूँ। ठीक है सर, मैं यहीं पर हूँ। अपने पीछे के बड़े भैया। अरे हाँ वही वही। राम नाम सत्य है। ले राजा, थाने में जाकर इकबाल जुल्म कर ले। ठीक है बॉस। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही बयान देना। तेरी लॉरी से टकरा कर इसकी जान चली गई, ऐसे ही पुलिस स्टेशन में जाकर बयान दे दे। तुम्हारे भैया की भैया लॉरी एक्सीडेंट में मौत हो गई। मेरा बेटा, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? मैं बचाऊंगा, मैं बचाऊंगा, जो हुआ बचाऊंगा, मैं बचाऊंगा। ओहो, तो तू है वो लॉरी ड्राइवर जिसने हमारी गुरु के भैया का एक्सीडेंट किया था। मुजरिम आपके सामने, मैं चलता हूँ सर। 407, इसे बैरक में ले जाओ। यस सर।
दादी माँ। बेटा क्या हुआ दादी माँ, क्या हुआ, क्यों रो रही हो दादी माँ, क्यों रो रही हो दादी माँ, क्यों रो रही हो दादी माँ, हे भगवान, तेरा भाई हम सबको अनाथ बना के चला गया है बेटा। अगर ये बात हम लोगों ने तुझे बताई तो तेरी पढ़ाई में अड़चन आएगी, ये सोच के हमने ये बात तुझे नहीं बताई बेटा, नहीं बताई। अब सांप आया है नेवले के बिल में, मैं भी देखूंगा कि ये विद्याधर मेरे सिग्नेचर के बगैर एक आईएएस ऑफिसर कैसे बनता है। तुम जाओ। है डीसीपी, उन फोटो पर क्यों आंखें जमा कर रखा है, जरा इन फोटो को गौर से देख। मेरे का विद्याधर के साथ? ए, तुम्हारी बेटी उस विद्याधर से लव करती है। वो दोनों एक ही ट्रेनिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं। अबे ओए डीसीपी, दुश्मनों की जिंदगी बर्बाद करते करते अपनी बेटी की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं, होशियार रहना। अब मैं क्या करूं? सुन, तेरे सर में भूसा ज्यादा है और भेजा कम, अब जो मैं बोलता हूँ वही सुनेगा ना, ध्यान से सुन। ओए डीसीपी, अगर तू उस घर से रिश्ता जोड़ ले तो हम लोगों का रास्ते का जो रोड़ा है विजय, वो अपने आप ही रास्ते से हट जाएगा और उसके बाद हम इस शहर में जैसा खेल करना चाहे वैसा खेल सकते हैं। अरे क्या यार, जब मैं अंदर जाता हूँ तो भी यही थोबड़ा है, जब बाहर आता हूँ तो यही थोबड़ा है, बदलो ना यार थोबड़े को। विजय, वो तुम्हारे भैया को? हाँ विजय, कुछ नहीं, वो तुम्हारा भैया खत्म हो गया ना इसलिए बोल रहा है। हाँ, 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 नहीं विजय, वो बात यह है कि अरे ये तो ऐसे बकता रहता है, अगर तुम आओ ना मेरे साथ। हाँ, हाँ। नमस्कार। नमस्कार, आइए प्लीज कम, आओ आइए आइए ना। दादी माँ, ये डीसीपी साहब हैं। नमस्ते। नमस्कार, मेरा नाम शेखर है और ये मेरी बेटी मेनका। नमस्ते। बैठिए, तशरीफ रखिए। कम, आप लोग यहाँ पर? मुझे इस घर का माहौल बहुत अच्छा लगा, वैसे मैं एक शुभ कार्य के शगुन के लिए आया हूँ। क्या मतलब? आपका पोता और मेरी बेटी एक दूसरे को जानते हैं, इस जान पहचान को अगर आप बुजुर्ग चाहें तो रिश्तेदारी में भी बदल सकते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं। इस घर में हम सारे फैसले मिलजुल के लेते हैं, कुछ ही देर में मेरा पोता भी यहाँ आ जाएगा। वो जेल से आ रहा है मैं जानता हूँ, उसके आने से पहले इस शुभ काम को अंजाम देकर उसे शुभ समाचार सुनाते हैं, बाकी बातें तो बाद में भी होती रहेगी। हमारे घर में वो जो भी फैसला करता है वो हम सब लोगों को तहे दिल से मंजूर है। दादी, छोटे चाचा आ गए। चाचा चाचा चाचा। तू आ गया बेटा, तेरे ही बारे में बात कर रहे थे, बड़ी लंबी उम्र है। विजय, तुम कैसे हो? आपका आशीर्वाद है। डीसीपी साहब। यस। आपसे कुछ जरूरी बातें करने आएंगे? श्योर, व्हाई नॉट, एक्सक्यूज मी। मैं अभी आया। मेरे घर पे भी नाटक करने आ गए, मिजाज कैसे हैं? नाटक? कोई नाटक बाटक नहीं है, शादी, शादी की बात करने के लिए आया हूँ। बहुत जल्दी हम दोनों
रिश्तेदार बनने वाले हैं। डीसीपी साहब, हमने अभी तक घर पे कुत्ता नहीं पाला। ये मत समझना कि कुत्ता पालने की हैसियत नहीं है हम में, क्योंकि अपनी हिफाजत के लिए कुत्तों के मोहताज नहीं है। मेरी रगों में खून की बजाय बारूद बहता है, आप अच्छी तरह जानते हैं, और आपसे रिश्ता। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। मिस्टर विजय, तुम्हारी रगों में बारूद बहता है, अगर तुम अपने दिमाग के बजाय दिल से काम लो तो बेहतर होगा। जरा सोच के देखो, तुम्हारी हैसियत मेरे घर के नौकर से भी बदतर है, बट मेरी हैसियत के बारे में तुम्हारे फरिश्ते भी नहीं जानते हैं। लेकिन आसमान में उड़ने वाला ये परिंदा जमीन से क्यों रिश्ता जोड़ना चाहता है, क्या तुम इससे वाकिफ हो? वेरी सिंपल, हमारे भाई कलेक्टर होने वाले हैं। अगर वो तुम्हारे दामाद हो गए तो तुम अपनी दलाली की उड़ान आसानी से उड़ सकते हो, ऐसा समझ बैठे हो, परंतु संभव नहीं। अगर तुमने अपना फैसला बदल लिया तो बेहतर होगा, ये तुम्हारे लिए मशवरा है। लुक मिस्टर विजय, शायद तुम नहीं जानते कि जिंदगी में फैसला मैं एक बार करता हूँ, और मेरा किया हुआ फैसला तू तो क्या तेरा खुदा भी नहीं बदल सकता। जैसा मैंने चाहा अगर वैसा नहीं हुआ तो तेरा खानदान इस जहान में एक इतिहास बन के रह जाएगा। अगर ये शादी रुक गई तो तेरे घर को मैं शमशान घाट में बदल के रख दूंगा, इतना याद रखना। नो, उंगली उठाने से पहले एक नजर इस पे भी डाल लो, ये है तुम्हारे भाई की तकदीर, इस पे खुदा दस्तखत नहीं करेगा, सिर्फ मैं करूंगा। किसी को भी पूरी तरह से जानने से पहले उसका इतिहास जानना जरूरी होता मिस्टर विजय, और तुम्हारे खानदान का इतिहास जानने की जिम्मेदारी सरकार ने सिर्फ मुझे ही सौंपी है। मैं कुछ ज्यादा नहीं लिखूंगा, उसका छोटा भाई गुंडा है और जेल की हवा खाकर अभी अभी घर लौटा है। उसका कलेक्टर बनना तो दूर की बात है, एक चपरासी तक नहीं बनेगा। चलो, चाय ठंडी हो रही है, तुम भी ठंडे हो जाओ। नमस्कार नमस्कार, वेलकम वेलकम। कांग्रेचुलेशन डीसीपी साहब, क्या भाई बड़ी धूमधाम से शादी का इंतजाम किया है। सब आप ही की इनायत है भाई, कौन होता हूँ, सब तो ऊपर वाले की इनायत। ठीक, आइए आइए। खतरनाक खिलाड़ियों के बीच फंस गए हो, जरा होशियार रहना। उधर देखो, जिस हाथ से उसने उनका खून किया था उसी हाथ से उनके फोटो पर माला पहना रहा है। भैया बहुत शरीफ आदमी था, बहुत ही शरीफ। शांत हो जा छोटे, शांत हो जा। नहायत ही शरीफ आदमी था, इसीलिए ऊपर वाले ने जल्दी ऊपर बुला लिया। मैं खामोश नहीं रहूंगा, मैं तुम चुपचाप यहाँ से चलो, मैं बताऊंगा, मैं बता दूंगा। चुप रहो, तुम बस चलो। ऐसे क्या देख रहे हो? इसी मौके के लिए मैं कितना इंतजार कर रही थी। मोहतरमा कन्या कुमारी, कुछ दिनों तक मुझे अभी ब्रह्मचारी बन के रहने की तमन्ना है, आप मेहरबानी करके यहाँ। बहुत हो गया, जब देखो तुम मुझसे नाराज रहते हो, गुस्सा करते हो, डांटते रहते हो, कभी मुझे प्यार से एक बार आरी जारी ऐसा कहकर बुलाओ ना। छुओ मत, हाथ पीछे हाथ पीछे हाथ पीछे। एक पते की बात बताऊं, हम अपनी बीवी को भी आ जा बोल के कभी नहीं बुलाते हैं। आहा, तुम्हारे लखनऊ में ऐसे ही बोलते हैं क्या? ये सिर्फ हमारे लखनऊ की तहजीब नहीं है, सारे हिंदुस्तान की तहजीब है। हम गाली भी देते हैं तो आप जनाब से देते हैं। जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ मेरे दिल में कुछ कुछ होता है, तुम ही बताओ तुम्हारे दिल में कुछ नहीं होता क्या? हाँ जानता हूँ जानता हूँ जानता हूँ, आप अपनी खिड़की के दरवाजे हमेशा खुली रखती हैं ताकि तुम मेरे दिल में दाखिल हो सको। आई रियली लव यू। या अल्लाह रहम कर।
युवा सरप्राइजी ये हंसी डस गई, लगती है तू है काराक्षी, यू मेड मी सो क्रेजी। पसंती पसंती अप्सरा चंद्र चंद्र सी चंद्रमुखी, यह भला लगे तेरे सपने जगे, सुहाना है लगे सांगे मीनाक्षी, युवा सरप्राइजी है हसी रस गई, लगती है तू है काशी, you made me so crazy. Sundari, jet pasanti pasanti, apsara चंद्र चंद्र सी चंद्रमुखी, नैनों में सपने बसे, हम तो हुए बावले, हम तो हुए दीवाने, जन्नत सा जग सारा अब दिए हारा, सज गए खुशियों के मेले, मीनाक्षी युवा सरप्राइजी हसी रस गई, लगती है तू है काशी, you made me so crazy. मदर इंडिया गॉड मदर कौन आए देखो तो। आधा बर्थडे कलेक्टर साहब। तुम नहीं बदलोगे। देखा गॉड मदर, ब्रदर को सूट में सॉलिड लगा। हाँ। माँ बेटा ठीक तो हो? हाँ चाचा जी। भाभी सरकार ने मुलाजमत के साथ साथ रिहाइश के लिए एक बंगला भी दिया है, आज से हम सब वहीं पर रहेंगे। वहां आकर हम क्या करेंगे ब्रदर, यहीं पर हम लोग खुश है ना। मतलब आप लोगों को छोड़कर वहां मैं अकेले रहूं? विजय मेरे लिए तुमने कितनी मुश्किलें उठाई हैं, याद है मेरी पढ़ाई के लिए तुमने कितनी कुर्बानी दी। सुनिए आप लोगों के बिना ये शान और शौकत मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ब्रदर ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम लोग यहाँ पे बहुत खुश हैं बेटा। पर तू जिद कर रहा है तो हम आएंगे। मोहतरमा कन्या कुमारी, हाय, आप भी हमारे साथ आ रही हैं? वो तो है ही, जहाँ तुम रहोगे मैं भी वहीं रहूँगी। ओह आप मेरे बगैर खाना भी नहीं खाती है ना? बिल्कुल सही कहा। इन रगों में बारूद है, फटेगा ना तो फना हो जाओगी, तुम हमारे साथ नहीं आ सकती। तुम यहाँ हो दादी? देखो ना ये क्या कह रहे हैं, ये मुझसे कह रहे मैं यही रहूँ, आप इन्हें समझाइए ना। वो जो कह रहा है बिल्कुल ठीक ही तो है। बड़े बेटे को गुजरे अभी 2 महीने भी नहीं हुए, तू यहीं पे रुक कर उसके नाम का दिया जला, ठीक है बेटी? हाँ दादी। दादी वादी से काम नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो गया, तुम्हें यही रहना। शराफत से तुम अपनी तशरीफ इस गरीब खाने पर ही रखो तो अच्छा लगेगा, समझी? चलता हूँ बाय। इस घर में रहने का मतलब वॉच वुमन वॉच कैट, बाय। यहाँ
कहाँ पधारी है गॉड मदर? हाँ बेटा, आज के बाद से हम लोग यहीं पे रहेंगे। वो हमारा मैका था, ये हमारा ससुराल है। ए, तू कभी नहीं सुधरेगा। दादी माँ, अब तुम ही इन्हें संभालो ना। चुप हो जा बेटा तू। गॉड फादर की फोटो कहाँ लगाऊं? बेटे संभल के। क्या करे यार, अजीब उलझन में फंस चुके हैं हम लोग। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यार। वो डीसीपी भी तो उन कातिलों से मिला हुआ है। तो क्यों ना हम लोग एक काम करते हैं, डायरेक्ट होम मिनिस्टर को अर्जी दे देते हैं। बहुत अच्छा आइडिया है, हाँ वही करते हैं। ये सही रहेगा, ये सही रहेगा। तुम एक काम करना, विजय को भी ये बात नहीं बताना। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। या रूपा, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। इस तस्वीर को निकाल कर फेंकने का मतलब मैं क्या जान सकता हूँ? इसी घर की खूबसूरती कम होती है। खूबसूरती ना घर में होती है, ना अपने चेहरे में होती है, मन में होती है। मैं किस बला की चिड़िया हूँ आप नहीं जानती हैं। शराफत से इस तस्वीर को जहाँ थी वहाँ रख दीजिए। एक तो तुम लोग इस घर में फ्री में रह रहे हो, ऊपर से तुम लोग ये फोटो भी रखना चाहते हो। देखिए, हम इस घर में अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। ब्रदर ने फोर्स किया इसलिए हम यहाँ आए हैं। आप दादी और भाभी के साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं क्या मैं नहीं जानता। मन में जो भी आए कर लीजिए, अगर मेरे देवता जैसे भैया की बेइज्जती होगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाउ डेयर यू, क्या कहा तूने? What did you say? Mind your language. Shut up. You shut up. Vijay. देखिए, जब आप घर पे नहीं रहते हैं ना, तो ये सब लोग मिलके मुझे जो मन में आता है वो कहते हैं। अगर इन लोगों का बस चले ना, तो ये सब के सब मिलके मुझे जिंदा गाड़ देंगी। ये तुम्हारे भाई भाभी नहीं, राक्षस है। ए, तुम सिर्फ मेरी बीवी हो लेकिन ये लोग मेरी जान है। मेरी बात मान लो तो ही भलाई। शराफत से ये फोटो वहीं टांग दो, वरना विजय ने जो काम मधुरा छोड़ा वो मैं पूरा करूंगा। क्या सोच रही हो, जाओ। I'm sorry, brother. अपनी बीवी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। साहब, एक कैदी जो कई सालों से सेंट्रल जेल में सजा काट रहा है ना, उसने जमानत के लिए अर्जी भेजी है सर। यह है उसकी फाइल। hey, हम होम मिनिस्टर हूँ, दलालों का नेता नहीं हूँ। जो इस तरह का फाइल देखता फिरूंगा, हम सत्यमेव वाला नेता हूँ, भ्रष्टाचार का नहीं। लगता है आप समझे नहीं, अगर काम हो गया तो बड़ा दाम भी मिलेगा साहब। ऐसा है क्या? लाओ 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 पेन दो। पहले बताना था ना, जल्दी कीजिए। भलाई और नेकी का काम है। करेक्ट करेक्ट। इसके अलावा भी और कोई केस है क्या? साहब एक मर्डर का भी केस आया है, एक विवेक नाम के आदमी का जयराज पाटिल और शंकर पाटिल ने मिलकर खून कर दिया है। कहाँ का पाटिल, कहाँ का देसाई? हाँ क्या कहा? शंकर पाटिल, जयराज पाटिल। लाओ 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 साहब। लाखों से ज्यादा करोड़ों से कम। अब मैं तुझे बताऊंगा कि कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा रोडपति। सुनिए, क्या बात है? एक बात जानते हैं आप? तुम बताओगी तो जानूंगा। आपका भाई है ना, टैक्सी चलाने की बात कर रहा था। तो उसमें क्या बुराई है? कैसी बात कर रहे हैं आप? आप एक कलेक्टर हैं और आपका भाई टैक्सी चलाएगा तो बेइज्जती नहीं होगी? बेइज्जती? मुझे कलेक्टर बनाने के लिए मेरे उसी भाई ने किसी और के सर का इल्जाम अपने सर लेके जेल जाकर सजा भुगता था, तब मेरी बेइज्जती नहीं हुई थी? और जब अब वो खुददारी से टैक्सी चलाना चाहता है तो बेइज्जती होगी? देखो मेनका,
मुझे अपने भाई पर नाज है, फकर है। हे, तुझे पहचाना क्या? पिछले बार हम लोग नाचने के लिए आए थे, कितना मजा आया था। पिछले बार गणेश चतुर्थी को यही आया था। वो ही है क्या? अंदर नहीं जा सकते, हरगिज अंदर नहीं जा सकते। ओहो, टेंशन हो गया कि गणपति को ले जाके विसर्जन कर दूंगा। हर कोई ले जाके पानी में विसर्जन करता है, जब मैं करता हूं तो टेंशन क्यों लेते हो? आपको एक बात बताऊं, मनुष्य के जीवन में तीन स्टेज होते हैं, शायद आपको पता होगा। पहले स्टेज में मनुष्य क्या सोचता है कि इस संसार में मैं अकेला सही हूं, बाकी के सब गलत है सोचता है। थोड़ी मैच्योरिटी और बुद्धि आने के बाद क्या सोचता है कि मैं ही गलत हूं लेकिन संसार सही है सोचता है। और थोड़ी ज्यादा मैच्योरिटी, थोड़ी ज्यादा बुद्धि आने के बाद क्या समझता है पता है? कि संसार भी सही है, मैं भी सही हूं, सब सही है सोचता है। कुछ समझे? तुम लोग कुछ समझे? जब मैं खुद नहीं समझा तो तुम क्या समझोगे? नमस्ते गणपति बप्पा, हम लोग जिन बातों को नहीं समझते आप अच्छी तरह समझते हैं। कृपा करके आप मुझे अपना छोटा भाई कैलाश पुत्र समझकर मेरी गाड़ी और जिंदगी की गाड़ी आना। जैसे आप शांति से हो उसी तरह सारे संसार को शांति से रखो। देखी जग की हालत तो मेरा दिल बोला, ये कहा नहीं मगर कभी भी आसरास है खोला। देखो दस्तूर कितना है गंगा, देखी जग की हालत तो मेरा दी बोला। शीशे में लाठी ना लो बंदे, भले रहे हम अगर तो दिन क्यों हो मंदे। नंगी है ये दुनिया सारी, हर कोई है नंगा। माल खाओ ना मुख में, काम करो ना बेढंगा। कुछ और करो धंधे, बंद करो धांधली। रहते हैं हम बाहर यहाँ गंगा, काम करे ना पैसा ले आराम करे गंगा। इस जग का देखो दस्तूर कितना है गंगा, देखी जग की हालत तो मेरा दिल बोला। दुनिया है गोल मगर पर है सीधे राज भैया, राज दिल का मैं बोलूं तो पूरी हो तमन्ना। हर दिन हो क्यों यूं लड़ाई, हर दिन हो क्यों दंगा। मेरी नजर से देखो तो यारो लगता हर कोई नंगा। संकट हरता वो वेंकट राजा वो,
हर मन का राजा वो गणेश राजा हा। काम करे ना पैसा ले आराम करे बंदा, इस जग का देखो दस्तूर कितना है गंदा। देखी जग की हालत तो मेरा दिल बोला, कहा नहीं मगर कभी भी आज राज है खोला। सागर तुम ही हो ना? जी हाँ, लेकिन आप? मैं हूँ, मिनिस्टर का सेक्रेटरी हूँ। विवेक का कत्ल हुआ था, उसके चश्मदीद गवाह तुम ही हो ना? जी हाँ मैं ही हूँ। ठीक है, कल सुबह 7 बजे सारे सबूतों के साथ इस पते पर पहुँच जाना। ओके सर, थैंक यू सर जी, जरूर पहुँच जाऊंगा। इस रेशमी साड़ी में लक्ष्मी मेरे नजरों में तुम साक्षात महालक्ष्मी लग रही हो। डैडी आप जाइए, मैं चलती हूँ। ये क्या बेटी, यहाँ तक आने के बावजूद अगर जमाई जी से नहीं मिलूंगा तो वो क्या बुरा नहीं मानेंगे? हैं? उनसे बात करके चला जाऊंगा। मैंने कहा इस नागिन को इस घर से कैसे निकालना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तुम देखती जाओ। मतलब? तुम्हें मतलब से क्या लेना देना, जल्दी जाकर अपने पति को यहाँ बुला लाओ, बाकी का मैं संभाल लूंगा। Hey, वहां क्या कर रहा था? रुक जा। माय गॉड, देखा आपने इनके काली करतूतों को? पति के जिंदा रहने तक तो माथे पे सिंदूर लगा के घूमते हुए देखा है मैंने लोगों को, लेकिन पति के मरने के बाद भी सोना सिंगार करके घूमने वाली सिर्फ तुम्हारी भाभी ही हो सकती है। इतने दिनों तक आपको मैं माँ के समान समझता था, लेकिन आज आपने अपनी इज्जत खो दी। अगर कोई माँ भी ऐसा काम करे तो दुनिया का कोई भी बेटा ये बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, ये इज्जतदार लोगों का घर है, आइंदा इस घर में आपका रहना मुनासिब नहीं होगा। मान गया कलेक्टर साहब, मान गया। न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठकर न्याय सुनाने से पहले एक मामूली इंसान की तरह सोचकर देखिए, कौन है वो? वो हमारे घर की बहू नहीं है, वो हमारी माँ समान है। माँ से बढ़कर ममता निछावर की उन्होंने, क्या कोई माँ ऐसी हरकत कर सकती है? अपने दिल से पूछिए तो। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो झूठ है, या इनकी बिंदिया झूठ है, या फिर ये रेशमी साड़ी झूठ है, या फिर मेरी आंखों के सामने उस आदमी का छुपकर इस कमरे से बाहर जाना झूठ है? सब सच है, मैं भी अपनी आंखों से देख रहा हूँ, लेकिन जो आप समझ रहे हैं वो सच नहीं है। ब्रदर भैया का जन्मदिन है इसलिए अपना मुंह बंद कर। मैंने जो देखा उसे साबित करने के लिए सबूत देना होगा। सीता माता पर संदेह किया था भगवान राम ने, लक्ष्मण ने नहीं। आप अंदर जाइए भाभी, जाइए अंदर। चीची, कुछ गंदा खा लिया क्या? तुम्हारे भाई ने बाहर जाने को कहा, उसके बाद भी यहाँ रहने में हया नहीं आएगी। अगर हया मान मर्यादा आप में होती तो हम लोगों को घर से निकालने के लिए ऐसी नीच हरकत नहीं करती। ओहो,
बेइज्जती कैसे ढकनी है उसके लिए प्लान बना रहे हो? नो 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 नो, छोटी भाभी का संसार टूटने से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जो ड्राइवर भागा, अगर मैं उसे अपने ब्रदर के सामने लाकर खड़ा कर दूंगा तो डिटेल पता चल जाएगा। उस वक्त तुम्हारी हालत क्या होगी क्या तुम जानती हो? तुम कितनी भी कूटनीति कर लो, हम लोगों को जुदा नहीं कर सकती। ये बात तुम अपने बदमाश बाप से कह देना। क्या बकवास किए जा रहे हो? वही अपने बाप चाणक्या से कह देना। अगर उसका बाप भी जिंदा है तो उससे भी जाके कह देना। कितना घमंड है तुझमें? तेरे जैसे नीच इंसान की वजह से ही तेरे भाई के किसी ने बीच रास्ते में हत्या कर दी थी। क्या कहा? मेरे भाई को? हाँ, तेरे भाई को बीच रास्ते में कुत्ते की तरह मार दिया था लोगों ने। मुझसे बहस कर रहा है? विजय, वो तुम्हारे भैया को? हाँ विजय, कुछ नहीं, वो तुम्हारा भैया खत्म हो गया ना, इसलिए बोल रहा है। मैं खामोश नहीं रहूंगा। अरे भाई की लारी एक्सीडेंट में मौत हो गई और अब वो नहीं रहे। नमस्ते जले साहब। ओहो गुरु, बहुत दिन के बाद, क्या समाचार है भाई? कैसे याद आई? बोलो क्या बात है? वो कुछ नहीं, आपको मेरी छोटी सी मदद करनी होगी। हुक्म करो। वही वो ड्राइवर राजू है ना सर? हाँ। उसके बैरक की चाबी चाहिए थी। अरे गुरु, तुम चाबी की बात कर रहे हो? तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है हमारी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सबूत लेकर आए हो ना? जी हाँ, लेकर आया हूँ। सब कुछ है ना? वेरी गुड, तुम लोग यहीं रहो, तुम मेरे साथ आओ। कम। ये फोटो तुम ही खींचा था? जी हाँ सर जी। तुमको तो इनाम मिलना चाहिए भाई। थैंक यू सर, मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप हमारी मदद जरूर करेंगे सर। मदद तो तुमने हमारे की है, इस शंकर पाटिल की है, इसका इनाम तुम्हें जरूर मिलेगा। दोस्तों को अंदर गए काफी वक्त हो गया, और कितना टाइम लगेगा सर जी? मिनिस्टर साहब कुछ इंक्वायरीज कर रहे हैं, क्यों, कोई शक है? नहीं। तुम चलो, साहब तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। Ah!
चाल थी। भैया राम नाम सत्य है। रुको 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 सागर, सागर, ये सब किसने किया? शंकर पाटिल, जयराज पाटिल ने तुम्हारे बड़े भैया का खून किया था। ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कहीं तुम जोश में आकर के कहीं कोई गलत कदम न उठाओ, इसके लिए नहीं बताया। मैंने कई बार बताना चाहा, लेकिन मुझे दोस्तों ने रोक दिया था। लेकिन अपने सभी साथियों को जयराज पाटिल और शंकर पाटिल ने मार दिया है। और सागर, सागर, बता बता कहाँ शंकर पाटिल? डीसीपी से मिलने पुलिस स्टेशन गए हुए। देखिए, उन चारों दोस्तों का किसी ने कत्ल कर दिया है। उस वक्त मेरी कार चोरी हो गई थी और मैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन आया था। ऐसे एफआईआर लिखवा दो। ओके सर। Oh!
रिश्तेदारी जा गई क्या? नहीं, बारूद को बारूद से खत्म नहीं करते। इस बारूद को कैसे खत्म करना मैं जानता हूँ। रिवॉल्वर दो। योर ऑनर, इसी अदालत में एक केस में इस आदमी को 6 महीने पहले सजा सुनाई गई थी, ये शायद आप भूल रहे हैं। अफसोस, इस बार इसने उससे भी ज्यादा संगीन जुर्म किए हैं। शराब के नशे में धुत होकर लापरवाही से टैक्सी चलाते हुए सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे पुलिस स्टेशन को तबाह करके और 4 मासूमों पर टैक्सी चढ़ाकर उनकी मौत का कारण बना है। ब्रेक इंस्पेक्टर के काम में मुझे 10 सालों का अनुभव है। उस अनुभव के तहत अगर कहूँ तो ये अपराध ब्रेक फेल होने के कारण नहीं हुआ है। ये अपराधी दारू के नशे में लापरवाही से गाड़ी चलाया, इसलिए ये हादसा हुआ है। योर ऑनर, मैं सरकारी अस्पताल का डॉक्टर हूँ। उस एक्सीडेंट के बाद ये शख्स हमारे ही हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। चेकअप करने के बाद पता चला कि ये शराब पिया हुआ था। शराब पीने की वजह से ये सारे हादसे हुए, ये चेकअप से पता चला। योर ऑनर, इस केस के असली सबूत को कोर्ट में पेश करने की अनुमति चाहिए। इन फोटोज को देखने के बाद आप जो कुछ भी कहना चाहते कह सकते हैं। किसे तुम होश में आओ? योर ऑनर, ये अदालत की सरासर तौहीन है। देखा, देखा आपने ड्यूटी पर पुलिस ऑफिसर की जान लेने की कोशिश की इसने। ये अदालत सारे सबूतों को देखने और गवाहों को सुनने के बाद ये फैसला सुनाती है कि विजय आवेश में आकर नशे की हालत में ये अपराध किया है। वैसे भी उसकी मानसिक हालत देखते हुए अगली सुनाई तक उसे हिरासत में रखने का आदेश देती है। विजय नहीं, जोर से नहीं, होश से काम लो। विजय, कानून कोई खिलौना नहीं है। तू कानून की बात करता है? कभी नहीं। Thank you.
शुक्रिया। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं, तुम्हें बचाने के लिए मेरा भी कुछ मतलब है। मतलब? हाँ, बदला लेने के लिए। बदला किससे? शंकर पाटिल से। शंकर पाटिल? उससे तुम क्यों बदला लेना चाहती हो? बहुत साल पहले वो शंकर पाटिल कपड़ों का कारखाना चलाता था। वहाँ पर काम करने वाली एक लड़की से उसने प्यार का नाटक किया, जिससे उसकी एक बच्ची पैदा हुई। जब वो बच्ची 6 साल की हो गई तो उसने दूसरी शादी करने की सोची। जब उस औरत ने वजह पूछी तो उसने वजह बताने की जगह पे अपनी गाड़ी से उस औरत की हत्या कर दी। उस औरत ने उससे बहुत रहम की भीख मांगी, लेकिन उसने उसे बख्शा नहीं। उस लाचार माँ की बेटी मैं हूँ। उसी इंतकाम की आग ने आज तक मुझे जिंदा रखा। तुमसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ तुम्हारे जिस्म में वो बारूद है जिससे मैं इंतकाम ले सकती हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे आई और मैंने तुमसे प्यार का नाटक किया। ये प्यार का नाटक कब हकीकत में बदल गया मुझे पता भी नहीं चला। मैं सच कह रही हूँ, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकूंगी, मुझे अब तुम्हारा सहारा चाहिए। अरे कौन सा फाइल? अरे भाई विवेक मर्डर फाइल। अच्छा वो फाइल? उका बहुत सुरक्षा में रखा हूँ, इतना सुरक्षा में कि कौनों को नहीं मालूम। अरे हमको भी नहीं मालूम है। चुप। मैं दाऊद इब्राहिम से कम और अबू सालेम से ज्यादा खतरनाक हूँ, ये बात तू नहीं जानता। अगर वो फाइल मुझे नहीं मिली तो मैं तेरी जिंदगी की फाइल बंद कर दूंगा। वो फाइल कहाँ रखा, जल्दी बता। ये गंजे सर की राजनीति मेरे साथ नहीं चलेगी। ये नेताओं की नेतागिरी मेरे साथ नहीं चलेगी। जल्दी जा जाकर फाइल लेकर आ। कम से कम अब तो बता दे उन फोटोज का फाइल कहाँ है। मैं उस फोटो फाइल के बारे में कुछ भी नहीं जानता। मैंने कहा ना, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो कुछ नहीं जानता है? अपनी खुद की गाड़ी के नीचे आकर मरने का मौका बहुत कम लोगों को नसीब होता है। बर्बाद हो गया। देखो हमारा सारा फाइल सुरक्षित है, चोरी तो तुम्हारा फोटो वाला फाइल का हुआ। वापस बंद कर। जैसे भी हो विजय फाइल लेकर पहले अपने भाई के पास जाएगा। उसके वहां तक पहुंचने से पहले ही देखते ही गोली मारने का हुक्म दे देना। अगर वो पुलिस से बच भी गया तो हमारे कुत्ते उसको मौत की नींद सुला देंगे। उसके जिंदा रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर उस फाइल को विजय ने अपने भाई को दे दी तो उससे पहले तुम्हारा हार्ट अटैक हो जाना चाहिए डीसीपी। क्या हार्ट अटैक? मैं अभी आ रही हूँ। क्या हुआ मेनका? सुनिए जी, मेरे डैड को हार्ट अटैक हुआ है। What? डैडी, डैडी, अब कैसे हैं आप? फोन आया था, आपका हार्ट अटैक हुआ है। मुझे कुछ भी नहीं हुआ बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन हार्ट अटैक आया था, ऐसा फोन आया था। ऐसी कोई बात नहीं है, माइल्ड अटैक था। आई एम आउट ऑफ डेंजर, थोड़ा आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। ब्रदर, ब्रदर, सारे सबूत के साथ आया हूँ। हेलो, कांग्रेचुलेशन मिस्टर विजय, तेरी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। अपनी जान पर खेल कर तूने जिस सबूत को हासिल किया है वही तेरे मौत का सबब बनेगा। भाई का भी कफन तैयार कर ले। अगर तू अपने भाई को सही सलामत जिंदा देखना चाहता है तो फाइल लेकर यहाँ जा। साइकिल में हवा है ना? अगर तू मेरी बात नहीं सुनता है तो इत्तेफाक से मेरा भाई भी मेरी बात नहीं सुनेगा, यही प्रॉब्लम है। अपनी जबान को लगाम दे कमीने। कैसे समझाऊं, शेर और कुत्तों में यही फर्क है।
तेरा दिमाग गीदड़ से कुछ कम और कुत्तों से कुछ ज्यादा है। मेरे खिलाफत करने वालों को मैं कभी बख्शता नहीं, फिनिश कर देता हूँ। वैसे तुम्हारे बड़े भैया से हमारे कोई जाति दुश्मनी नहीं थी। वैसे वो इंदु एमएलए मर्डर केस में चश्मदीद गवाह थे, इसलिए मजबूरन उन्हें फिनिश करना पड़ा। और तुम्हारे बड़े भाई के मर्डर केस में तुम्हारे वो चारों दोस्त चश्मदीद गवाह थे, इसलिए मजबूरन उन्हें भी फिनिश करना पड़ा। मेरी बात सुन, इन केस से जुड़े हुए उन सारे फाइलों को मेरे पास लेकर आ, वरना तू तेरा दूसरा भाई और भाभी की मौत का जिम्मेदार बन जाएगा। मेरे भाई का बाल भी बांका हुआ है, भोगना बंद करना। मेरी बात सुन, अब से लेकर आधे घंटे की मैं तुझे मोहलत दे रहा हूँ। बारूद वहाँ पहुँचेगा तुझे फना करने के लिए। पाटिल, ये है तेरी तस्वीर का दूसरा रुख? भैया का खून करने वाला तू ही है? मैंने अपने भाई की बात पे यकीन नहीं किया, यही मेरे सबसे बड़ी गलती है। ना मैं कभी यकीन करता हूँ और ना कभी यकीन करने वालों पर भरोसा करता हूँ। अपनी जबान बंद कर। तू दगाबाज है ये मैं जान गया, और तेरा इतिहास भी मैं जान गया। मैं तेरा क्या हशर करूंगा वो तू तो क्या तेरा खुदा भी अंदाजा नहीं लगा सकता। तेरी मौत मैं लिखूंगा। ओम शांति ओम। भैया राम नाम सत्य कर दूं? भैया छोड़ो, भैया राम नाम सत्य कर दूं? भैया ये द्रौपदी कहाँ से आ गई? भैया इसका सत्यनाश कर दूं? ये तुम क्या कर रहे हो, मेरी बेटी को छोड़ दो। भैया सुना नहीं तुमने, मेरी बेटी को छोड़ दो वरना। भैया ये तो पासा ही पलट दिया है। नहीं 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 नहीं, जोश में बताइए डीसीपी साहब, ये कोई नई बात नहीं है। सांप का अगर दूध नहीं दोगे तो बेशक वो तुम्हें डसेगा। तुम अगर सांप को पालने का शौक रखते हो, हर हाल में उसे दूध पिलाने का इंतजाम भी रखना चाहिए। सच कहा ना, इन कंधों के सितारों के रोशन होने से डीसीपी किस्मत के सितारे रोशन नहीं होते। नादानी मत कर, ये खिलौना मेरे हवाले कर दे, कर दे, अरे कर दे। मेरी बेटी को छोड़ दो, छोड़ दो। तेरी बेटी जो है ना, ये मल्लिका शराव से कुछ ज्यादा और राखी सावंत से कुछ कम से। छोड़ दो इसे, कमान ले जाओ इसे। तेरा चीर हरण होगा। पाटिल जानी जानी ये पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, ओपन योर माउथ। हे किया मेरा धक धक करने लगा, धक धक करने लगा। भैया अब तेरा चीर हरण होगा। छोड़ दे, मैं तेरे साथे हाथ जोड़ के भगवान के लिए मुझे छोड़ दे। भैया इसको दुखता है, दुखने में ही तो मजा है। जाओ। ये गोरे गोरे जाने दे मुझे, ये तीखी तीखी नजरें छोड़ दे मुझे, जाने दे मैं तेरे सामने हाथ जोड़ के। भैया भैया ये रावण कहाँ से आ गया? विजय, इस वक्त तेरा भाई हमारे कब्जे में है, वो फाइल मुझे दे दे। मेरा भाई कहाँ है? तो फिर वो देख, फाइल लेकर तो आया ही होगा ना।
विजय ये फाइल इनको विनोद के हाथ मत देना, मत देना। कौन की विजय? तुझे दे दूंगा मेरे भाई को, छोड़। भोगने से पहले फाइल मेरे हवाले कर दे। कौन है तू? मैं कौन हूँ? मालती नाम की औरत तुम्हें याद है? कुछ याद आया? मतलब तो तू? हाँ, तुमने सही पहचाना, मैं उनकी बेटी हूँ। अरे छोकरी, मैं हूँ शंकर पाटिल, मुझसे टकराने वाला पत्थर भी बिखर जाता है। Thank you.
कुछ अच्छा हो गया। पारू, सब कुछ कुशल मंगल है। हाँ। तुम बेकार में परेशान नहीं होना पारू। हाँ। अगर इस घर के लोगों को शांति से जीना है तो तुम्हें मेरे पास फौरन आना। हाँ? होगा। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पोते की शादी नहीं हुई, शादी होने तक मैं नहीं आऊंगी। मेरी शादी हो जाएगी, तू गॉडफादर के पास जाना। पारू, मैं देवदास हूँ, पैरों में गिर के आशीर्वाद लो। मैं तेरे पाँव पे गिर के आशीर्वाद लूं? लेना होगा। इतने दिनों से तू मुझे धोखा दे रहा था कि तू मेरा देवदास है। अरे तू सुधरेगा कब? मैं नहीं छोड़ने वाली। कहाँ गया मेरा डंडा? क्या हुआ बेटा? राक्षसी से बचा तो डायन सामने आ गई, भगवान बचाए मुझे। कौन राक्षसी? क्या हुआ, अपनी बीवी से डर गए क्या? बीवी? किसकी बीवी? तुम्हारी बीवी। मेरी बीवी? इन रगों में बारूद है, फटेगा तो फना हो जाओगी। ए, अपनी बकवास बंद करो और मेरी बात गौर से सुनो। इस तरह प्यार मोहब्बत की बात करने से पहले शादी के बंधन में बन जाओ। करेक्ट करेक्ट। अरे क्या सही है, क्या सही है। अगर इसे शादी हुआ तो जन्नत के दरवाजे के बजाय जहन्नम के दरवाजा खुल जाएगा। ठीक है ना गॉड मदर? मेरी रगों में खून नहीं बारूद है, फटेगा फना हो जाएगा। चलो सब दिल ये बहके तेरे लिए के कहो ना प्यार है, ये दिल चाहता है।